तो विश्व निर्मल धर्म जो है ये धर्म ओंकार का धर्म, पवित्रता का धर्म है। इसमें ये सारी चीजें आप पर चला रहे हैं तो आप इस धर्म में नहीं उतर सकते। और बाह्यता आप कितना भी कहे कि हाँ भाई हम तो माता जी की पूजा करते हैं, फोटो लगाते हैं और हम उनको मानते हैं, तो उससे कुछ आपको फायदा नहीं हो सकता है और न दुनिया को फायदा हो सकता है आपसे। ये तो ऐसा ही है कि कोई दिया कहे कि हाँ साहब मैं इनमें तो प्रकाश है और मैं सबको प्रकाश दे रहा हूं, तो कहे जनाब कहाँ है आपका प्रकाश, दिखाइए। तो अपने को हम ठगी कर रहे हैं। तो सहयोग में जो लोग हैं उनको पहले पूरी तरह से विश्वास कर लेना चाहिए कि नहीं, अब हम अपने को ठगने वाले नहीं, इस चीज को हम पूरी तरह से छोड़ करके सहयोग में पूरी तरह से उतरने वाले, तभी आपको इसका फायदा होगा। अब हमने देखा जो आधे अधूरे लोग होते हैं उनको क्या होता है, हो सकता है कि कभी कभी किसी गुरुओं के पास जाने से भी कभी कभी आप पे तकलीफ हो जाए, या किसी गलत लोगों के संगति में जाने से भी आपको तकलीफ हो जाए। क्योंकि आज जो हमारा जमाना आ गया है, इस जमाने को हम कृत युग कहते हैं, कि जहां पर कि ये ब्रह्म चैतन्य कार्यान्वित हो गया, ये कार्य कर रहा है। अब आप न तो खुद को ठग सकते हैं और न ही आप मुझको ठग सकते हैं। जिसने ठगी का रास्ता लिया उसको उसका फल मिले, और भी आपको छंद है दुनिया भर के, और हम सहयोगी करके इतना बड़ा बैच लगा घूम रहे हैं। तो जो वो बैच लगाए वो बैच ही आके आपकी खोपड़ी तोड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपसे। आप लोग अगर सोचें कि बैच लगाना इतनी सरल चीज ऐसी नहीं है, जिस बैच को आप लगाए ना वही आपकी खोपड़ी तोड़ेगा। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं तोड़ती, समझे ना। तो ये बैच कोई कम चीज नहीं है, एक विग्रह है, इसका एक कोएफिशिएंट है, मतलब ये कि इसमें से चैतन्य बहता है। वही चैतन्य गोल घुमाकर आपका अगर गला घोटे तो आप कहेंगे माँ मैं तो बैच लगाए सो रहा था, फिर ऐसे कैसे हो गया, मुझे क्यों, वो जो बैच था ना वही निकल के आया, खोपड़ी आपको तोड़ दी, तो इसलिए बैच मत लगाओ। पर लगाना है तो उसके योग्य रखो। आजकल सबको ये कि वहां हमें बैच दो, गले में वो ये है, हम गले में पहनेंगे वो लॉकेट, भैया पहनो पर समझ, समझे ना, मुझ पे उसका दोष मत लगाना कि माँ मैं ये पहन के गया था तो भी फिसल पड़ा और पैर टूट गया, तो उसी ने फिसला तुमको, इसको पहनो मत। पहनना है तो अपनी उतनी पात्रता होनी चाहिए, अपनी योग्यता होनी चाहिए, अगर वो योग्यता आप में नहीं है तो ये ईसा मसीह से भगवान बचाए रखे। और गणेश जी तो उससे भी बढ़ गए हैं, वो तो लेफ्ट हैंड ही में परस लिए हुए, एक ऐसा मार देंगे तो मैं क्या करूं उसको। अरे साहब उनकी तो वो कोई मेरी सुनते, आप तुमने जब पहन ही लिया तो वो कहते ले पहनो, और तो इस बैच को पहनना या इस पेंडेंट को पहनना, अंगूठी को पहनना, बाबा रे बाबा बहुत संभाल के रहे। आप बाथरूम जाते हैं उसको अलग उतारते हो, इसको बहुत संभाल, लेकिन परमात्मा देख रहे हैं कैसे चल रहे हो, और इतनी मेहनत करके हमने आपको सहयोग दिया आपकी माँ ने, तो आपका पांव कहाँ डगमगा रहा है, आप कौन सा गलत काम कर रहे हैं, और इसलिए समझ पर ये कहूंगी कि आदि शक्ति जरूर परमात्मा की शक्ति है, उनकी इच्छा है, लेकिन परमात्मा जो है वो देख रहे हैं कि ये सारी जो मेहनत हो रही है, इतना जो नाटक इन्होंने बना रखा है, इसमें सत्य असत्य कितने लोग हैं और इनका किस किस का ठिकाना करना है, उसी का हिसाब जोड़ रहे हैं। जो अच्छे हैं उनको भी कभी देखना चाहिए ना, वैसा नहीं, जो झूठे हैं उनको पकड़ बैठे और सबको डंडा मारेंगे। इसलिए मेहरबानी से जो भी करना है शुद्ध मन से, दिल को खोल के, जो हमने आपसे बातें बताई हैं कि अंदर श्रद्धा हो अंदर में आपके,
आपके अंदर कोई जातिवाद हो, या कोई हम हिंदुस्तानी बहुत ऊंचे ऐसी भावना हो, या किसी तरह की भी ऐसी जो भावनाएं जो कि झूठी है, इसमें पवित्र नहीं है, ये सारी भावनाएं निकाल करके आप कृपया मेरा पेंडेंट पहने, क्योंकि उस पेंडेंट के साथ एक एक गण लग गया, अब वो लगे हुए हैं आपके आगे पीछे। जितनी आपकी वो रक्षा करते हैं, उतनी आपकी रक्षा एक तरह से करते ही है कि आप गलत काम न करें, क्योंकि वो आपको अंदर बाहर सब जानते हैं। इसलिए आज के दिन ये भी एक आपके लिए चेतावनी सी है, और ऐसे भी एक बड़ा आनंद भी है कि अगर इस संसार में ईसा मसीह ना आते और वो अपने को आज्ञा चक्र में बिठा करके और तारण का मार्ग न बनाते, रिजरेक्शन का मार्ग न बनाते, तो सहयोग साध्य नहीं।